सो गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। चलो कैसे आप सब, मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया ना हमारी वीडियोस के लिए ज़रूरी है। तो आज पैकिंग हो रही है सारी की सारी। मैं अपना पूरा कैमरा बैग पैक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना अपने मैंने सूटकेस पैक कर लिया है। इसमें मैं जा रहा हूँ लखनऊ से थोड़ा सा पहले हरदोई, 100 किलोमीटर पहले हरदोई, अपने नाना के यहाँ दशहरा पे जा रहा हूँ। हमें हमारी फैमिली हर साल इकट्ठा होती है। लाइक पिछले साल शायद मैं नहीं जा पाया था दशहरा पे या होली पे, नहीं गया था, आई डोंट नो। एक टाइम नहीं जा पाया था क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स का चक्कर पड़ गया था। पर इस बार जा रहे हैं सारे के सारे, पूरी फैमिली इकट्ठा हो रही है। तो पूरा रेडी कर रहा हूँ मैं बस, और 3-4 दिन 4 या 5 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं। एंड लाइक पूरी फैमिली इकट्ठा होगी तो इट विल बी फन, और कई सारे टॉक्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। तो आप सभी को दिखाऊंगा, इन्जॉय करना। और हाँ, मेरे को आज ऑफिशियली 2 महीने हो गए जिम छोड़े हुए। अभी तक मैंने आप लोगों को रीज़न नहीं बताया जिम ना छोड़ने का। जो वीडियोज़ आपने देखी है वो पहले से रिकॉर्ड हुई हुई थी, धीरे धीरे करके मैं उन्हें डाल रहा था। तो 2 महीने हो गए मेरे को जिम छोड़े हुए और अभी तक रीज़न नहीं बताया। तो रीज़न है इज़ माई मैं एक सर्जरी से है मेरी, कुछ दिन बाद यानी कि अराउंड 26-27 के आसपास ही मेरी एक सर्जरी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस चीज़ की सर्जरी है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के, बट एक सर्जरी है उस। तो वही रीज़न है उस वजह से मैंने जिम छोड़ रखी है। तो आज अभी तो चलते हैं फटाफट, मैंने पैक कर लिया है, निकलेंगे। आप लोगों को सफ़र दिखाऊंगा, कैमरा मैं पूरा बैग के अंदर रख दूंगा, फ़ोन से ही व्लॉग करूँगा क्योंकि गाड़ी में फ़ोन से ही व्लॉग करना बढ़िया रहता है। और मैं जा रहा हूँ एक्सप्रेस हाईवे से, तो वहाँ पे भगाने में भी मज़ा आता है। बट कंट्रोल में हर चीज़, 120 की मेंटेन स्पीड वहाँ पे रखो, उससे ज़्यादा मत रखो क्योंकि फिर गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे गाड़ी के अंदर। सो गाइस आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, तो लास्ट दिन कंजक बैठते, तो कंजक का खाना आया हुआ है। मम्मी को कोई देखे गया था तो मुझे भूख लग रही थी, मैं खा रहा हूँ, मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। टेस्टी होता है यार भाई ये खाना ना, मतलब इतना टेस्ट होता है, मज़ा आ जाता है इस खाने को खाने में। सो गाइज अपनी बीस्ट है जिसमें हम जाने वाले हैं, एज ऑलवेज सेक्सी। सो गाइज जाने से पहले की रीचेकिंग करनी जरूरी है, एक बार घर चला जाता हूँ ऊपर, सब कुछ चेक कर जाता हूँ कि बंद वंद है नहीं है। मम्मी भी ऊपर ही है तो उनका सामान समेटवा के नीचे। भाई इंडियन फैमिलीज का बहुत लफड़ा है भाई, निकलने से पहले इतनी चीजें करनी पड़ती है ना घर में भाई, पूछो मतलब टेंशन हो जाती है। हम जैसे क्या होते हैं लोग भाई, बस घर से निकले बैग उठाया चल दिया, पर घर से जब पूरा घर जा रहा होता है ना भाई, बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो भाई सारी चेकिंग डन हो गई, बस चाबी अब दादी को देनी है और फिर हम निकल जाएंगे अपने रूट पे। लो बच्चा, बस मैं क्या करूँ चाबी का के, एक बार सांझ रच लीजिए। सही है भाई पीछे जी। सब लोग मम्मी के से परेशान बैठे हुए यहाँ पे। सो चले ट्रिप पे, चलो चलो। मम्मी तुम ठीक हो पीछे? हाँ। जिंदा रह जाओगी ना? हाँ। सबसे ज्यादा दिक्कत मम्मी को होती है, सबसे पापा सबसे ज्यादा कूल पापा ही रहते हैं गाड़ी में। मम्मी अभी देख रहे थोड़ी देर बाद मम्मी को दिखाऊंगा तुम्हें क्या हालत हो रही होगी दिखी गाड़ी में। सो भाई जब टाइम है रिफ्यूलिंग का, भाई फुल कर दो इसे, फुल कर दो डीजल फुल। इतना 57 लीटर समथिंग यानी 4400 रुपीज़ का। तो हमें एक बार हमारी गाड़ी में कौन सा बच्चा बैठा बताना। 45 साल का बच्चा बैठा हमारे साथ। ओ बच्चे और तेज रही है। हैप्पी तू उधर हो जाए, उसको इधर कर दे, एक ही उस पे मत रहो, लोकेशन चेंज हो जाएगी। मतलब एक ही जगह पे बैठे नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अरे अलाउड नहीं है ना ऐसे साइडों पे कुछ भी बनाना, क्योंकि साइडें खाली करने का रीजन है कि ताकि कुछ भी जानवर वानवर ऊपर ना आ सके। साइड में आप लगाओगे तो ट्रैफिक जमने लग जाएगा, तो इसको लाइक
अभी खाली बनाए गए ताकि अब जा सको, और कोई भी जो इनका कुछ भी खा रेस्टोरेंट टाइप है तो उसके लिए जगह दी होती है लेफ्ट साइड से। क्या कर रही हो 45 साल की बच्ची, कह रहा था ना 45 साल की बच्ची है। गाड़ी रुक गई मम्मी तुम्हारे कहने पे। क्या हो रहा था तुम्हें? अरे यार बीच में दर्द हो रहा है, खोलो अब कंट्रोल तो ड्राइवर के हाथ में है। नहीं तो तुम्हारे जैसे 45 साल के बच्चे के हाथ में कंट्रोल दे दे। पैर सीधे करने के लिए उतरे गाइस। हाँ भाई थक गए। सुहाना मौसम। सो गाइस अब ले लिया है लंच, नहीं लंच नहीं है, 6:30 बज रहे तो हमने लिया है टी ब्रेक कह सकते हैं। टी ब्रेक में मैं तो कुछ खाऊंगा, मेरे को तो लग रही भाई बहुत तेज भूख हद से ज़्यादा। तो ये इस रूट पे सारे लोग सबको भूख लग रही बहुत तेज, तो हम कुछ कुछ ना कुछ खाना खाएंगे, सुस्तु करेंगे और फिर से अब 200 किलोमीटर रह गए तो 9:30-10 बजे के आसपास हम घर पहुँच जाएंगे। आधे घंटे का ब्रेक आऊँगा तो 10:30 के आसपास जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। सो गाइस खाने के आइटम आ चुकी हैं, सब लोग पराठे खा रहे हैं बैठ के, पराठे खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो खाने पीने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, कुछ इतना ही करना है। बिल बिल तो ठीक, खाना अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया इस वाले पे खाना खाने में यार। इस रूट पे ना वो ढाबे नहीं है ना, इसलिए मज़ा से नहीं आता। ये तो गवर्नमेंट ने जो बनवा रखे ना इनमें इतना अच्छा खाना मिलता ही नहीं, तो लाइक मज़ा तो आया नहीं मेरे को सच बताऊँ। काफ़ी ज़्यादा छोले भटूरे भी मंगाए थे, काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गया था, पराठे भी कुछ ऐसे खास थे नहीं, तो मैंने दो ही पराठे खाए फिर मैंने छोड़ दिया। अब दोबारा सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और चलाते गाड़ी। 200 किलोमीटर रह गए, 200 नहीं 185 किलोमीटर रह गया। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड एट द टाइम ऑफ 10, 10 बज चुके और हम पहुंच गए 10 मिनट पहले ही। अब खुश रहो उनका किधर। नमस्ते आना जी, उसने चला गया मतलब नहीं क्या करा। कोई नहीं, न्यू पॉइंट है, न्यू है। The next day. So guys, good morning. Next day आ चुका है और हम लोग कल आने के बाद तो तुम्हें पता ही बहुत ज़्यादा ड्राइव कर ली थी, तो मैं तो हद ज़्यादा थक गया कल और रात ही सो गया। तो आज है 14 अक्टूबर और आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉग भी मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वो वाला बना नहीं था, तो ये वाला भी इसी में भी थोड़ा सा पार्ट मिक्स करके डाल देते हैं। तो अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ देखो यार कितनी शांति है, मतलब यहाँ पर घर भी बड़े बड़े होते हैं, दिल्ली में जैसे घर छोटे छोटे होते हैं ना, फ्लैट्स होते इतने महंगे महंगे, यहाँ पर अपना एक अलग लाइक गाँव वाला नेचर है तो अच्छा लगता है। एंड अभी मैं नहाऊँगा धोऊँगा, अपना काम करना है यार, बहुत सारा क्लाइंट वर्क पड़ा है मेरे पास, वो करना है, ब्लॉग भी एडिट करूँगा। उसके बाद आज शाम को देखते हैं शायद एनिवर्सरी के लिए कुछ जुगाड़ करेंगे। सो भाई अभी शॉपिंग कर रहा हूँ, कुर्ते देख रहा हूँ यार, कल किले का शहर अकेले ना, तो मेरे हिसाब से तो यही वाला ठीक लग रहा है, पिंक इज लाइक मेरे को सूट करता है। रेड ज़्यादा चमक रहे हैं, एक यही ठीक है। सो ये ट्राई कर रहा हूँ मैं पिंक कलर है, और पिंक कलर ट्राई करके दिखाता हूँ, तो मैं बताऊँ मेरे को, तुम बताओ कैसा लग रहा है मेरे पे, बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा पिंक कलर। सो गाइस जिस प्रॉब्लम से हर बॉडी बिल्डर को जुड़ता है, यानी कि कोई भी फिटनेस वाला बंदा जिसके पास थोड़ी सी शेप वेप है, वो ये है, आती नहीं थी, पेट आ गया है, ये नहीं गई है, हाथ उठ भी नहीं पा रहे हैं, और ये मतलब कभी तुम्हें जो तुम्हारी पसंद की चीज़ होती है ना वो तुम्हें कभी मिल नहीं पाती है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अभी भी ये गड़बड़ हो गई है, ये नहीं आ रहा मुझे तो, लेकिन वैसे तो अगर मेरे साइज़ के बंदे के लिए आ जाता है ये साइज़, बट यहाँ से बिल्कुल टाइट है, उतार भी नहीं पाऊँ, फट जाएगा। तो इससे बड़ा नंबर लेके आऊँगा, उसमें अपना फेवरेट कलर मिलेगा, नहीं तो अपने फेवरेट कपड़े कभी उठा ही नहीं पाते हम, ले ही नहीं पाते, बीटी हो जाती है हर बार। अब देख लो आ तो रहा है, लग तो सेक्सी रहता है, लग तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बट इससे डबल एक्सल मंगाया मैंने, ये एक्सल था, डबल एक्सल पहने है, वो ढीला ढीला हो जाएगा बिल्कुल ही। आइटम टोटल 132।
शॉपिंग डन। सो गाइस शाम हो चुकी है और शाम को अब हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने। लाइक यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ होता था यानी कि छोटा शहर है तो इतनी चीज़ें हैं नहीं, जितना भी बेस्ट हो सकता है हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने क्योंकि इट्स 21st मैरिज एनिवर्सरी, 21 साल हो गए हैं और 21 साल बहुत ज़्यादा होते हैं तो, और मैं 20 साल का हूँ तो लाइक ठीक है, जा रहे हैं हम। फैमिली देखो हमारी कितनी ह्यूज है और ये तो अभी आधी है, आधी आए नहीं है कितने किसी रीजन से पता रखे हैं। देखो हमारी फैमिली कितने लोग हैं भाई, अभी तो बहुत लोग हैं जो नहीं है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी फैमिली लाइक अब केक कटिंग का टाइम है। हाँ आपने आज का दिन देखा, अच्छा था, बढ़िया था, सुंदर था और दो दिन का ये मिक्स व्लॉग था, होप्स आपको पसंद आया हो और ज़्यादा बड़ा बना नहीं होगा, बना भी होगा तो देखेंगे कितना कितना रखना है हमने इस व्लॉग को, तो होप्स आपको पसंद आया हो। और मम्मी पापा का एनिवर्सरी, 21st एनिवर्सरी थी उनके, 21 साल हो गए पूरे, तो जस्ट हमने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा सारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो सेलिब्रेट किया अच्छे से। लाइक मैंने कैमरा डाउन कर दिया क्योंकि वो एक फैमिली मोमेंट था तो प्राइवेसी में किसी भी की इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो जितना मैं हो सकता था उतना मैंने रिकॉर्ड किया। होप सबको पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट अस। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, दशहरा का व्लॉग होगा।